हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सी एस ए ट्यूटोरियल। कैसे हो आप सब? तो करें एक और नए चैप्टर की तैयारी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने ये चैप्टर के जो MCQs हैं और जो शॉर्ट आंसर्स हैं, मैच द फॉलोइंग है, वो किस बुक में से लिए हैं। दिस इज़ फ्रॉम दिस बुक बाय ओसवाल गुरुकुल, जिसमें मिल जाते हैं आपके चारों बुक्स के क्वेश्चन आंसर्स मल्टीपल चॉइस में, सॉल्यूशन फॉर्म में, केस स्टडी फॉर्म में। इसके अंदर सारे के सारे चैप्टर्स और उसके चैप्टर नोट्स भी बहुत ही अच्छे आइकन्स और बहुत ढंग से एक्सप्लेन किए गए हैं, जिसको पढ़ने में आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा। ये नॉर्मल बुक्स की तरह नहीं आपको बोरिंग नहीं बनाएगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डेफिनेटली इसके अंदर से ही आपको ये स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर की एक्सप्लेनेशन जो है वो उस बुक में से जो है वो पढ़ाऊंगी। और इस बुक का बच्चा प्राइस भी जो है दैट इज जस्ट ₹350, जिसको कि आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या फिर कमेंट सेक्शन में जो मैंने लिंक पिन कर रखा है वहां से जाके खरीदेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत डिस्काउंटेड प्राइसेस पे ये बुक मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस चैप्टर को बिना किसी देरी के। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं ना किया तो फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती हैं आपको घर बैठे हुए, जिसको देखकर एक ही बारी में एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। तो चलो बहुत बातें हो गई, अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो पहला क्वेश्चन क्या है? द मेन एक्टिविटी इन द विलेज पालमपुर इज, जो विलेज पालमपुर है वहां पर मेन एक्टिविटी क्या थी? फिशिंग थी, एग्रीकल्चर थी, डायरी थी या शॉपकीपिंग थी? ये तो आप लोगों को पता होगा, ये तो स्टार्टिंग है जो फर्स्ट पेज हमने जब इस चैप्टर का पढ़ा था उसी के अंदर ही दिया हुआ था कि जो मेन एक्टिविटी है, जो मेन एक्टिविटी है इन द विलेज पालमपुर वो कौन सी है? दैट इज योर बी पॉइंट, एग्रीकल्चर। जो मेन एक्टिविटी है विलेज पालमपुर की वो एग्रीकल्चर है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो पालमपुर गांव के एग्रीकल्चर में ही काम करते थे, एग्रीकल्चर का काम करते थे। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड टुगेदर इज कॉल्ड एज, जो रॉ मटेरियल है और मनी इन हैंड है, यानी कि जो पैसे को लेके हम काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर वर्किंग कैपिटल और आपका फिक्स कैपिटल। जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। इन चीज़ों को ध्यान रखना आपने कि जो बिजनेस में काम करते के टाइम पे आपके जो भी पैसा यूटिलाइज हो रहा है, जो सामान यूटिलाइज हो रहा है, उन सब चीज़ों को ही हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग इन पालमपुर। यहाँ पे क्या पूछा आपको? डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग, क्योंकि ज़्यादातर लोग हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि एग्रीकल्चर में ही काम कर रहे थे, तो कितने लोग ऐसे हैं जो फार्मिंग पे डिपेंड करते थे, उतने परसेंटेज ऑफ पीपल आपको बताना है कि वो 75 थे, 65 थे, 50% थे या 80% थे, कितने परसेंट लोग थे। क्योंकि ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी का ही काम कर रहे थे, एग्रीकल्चर का ही काम कर रहे थे, तो इसीलिए इसकी परसेंटेज कितनी है? 75%। सो द पर्सन डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग इन द पालमपुर इज 75%। द पीपल ऑफ पालमपुर सेल मिल्क टू अ नियर बाय विलेज कॉल्ड नोएडा, गुड़गांव, रायगंज या मेरठ। अब इसका आंसर तो सबको पता होगा भाई। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि जो नियर बाय लार्ज विलेज के अंदर मिल्क सेल करने के लिए जाते थे वो कौन सा था? नोएडा था, गुड़गांव था, रायगंज था या मेरठ। चैप्टर के अंदर से ये बाकी तीनों A, C, D तो नाम आए ही नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, रायगंज। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ ना। सो रायगंज इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बाकी नाम तो आए ही नहीं है उसके अंदर। तो जो लार्ज विलेज जहाँ पे लोग, पालमपुर के लोग दूध बेचने के लिए जाते थे, दैट इज रायगंज। फिफ्थ क्वेश्चन इज मशीनरी, वर्क प्लांट, इक्विपमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी एंड बिल्डिंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ। फिक्स कैपिटल, मैन पावर, लैंड या नन ऑफ दीज। मशीनरी हो गया, वर्क प्लांट हो गया, ये जो भी इक्विपमेंट्स हैं या बिल्डिंग है, ये आप हर साल में नहीं चेंज करते हो। जो चीज़ें लंबे समय तक आपके साथ में बिजनेस में हेल्पफुल रहती हैं, काम में आती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स कैपिटल, ठीक है ना। क्योंकि ये आपका करंट नहीं, ये आपका फिक्स्ड असेट होती हैं, तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं फिक्स कैपिटल। सिक्स क्वेश्चन इज कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज हाइएस्ट इन विच स्टेट ऑफ पंजाब। कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हाइएस्ट पूछा उन्होंने, किसके अंदर है? इस चीज़ का ध्यान रखना कि हाईएस्ट पूछा है, कौन सी स्टेट ऑफ इंडिया के अंदर है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज हाईएस्ट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ए पंजाब, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार।
कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा पंजाब के अंदर होता है, ठीक है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए पंजाब। नेम टू क्रॉप्स दैट ग्रो इन द रेनी सीजन, दो क्रॉप्स के नाम बताने हैं जो कि रेनी सीजन के अंदर उगती हैं, वीट एंड राइस, पोटैटो एंड टमाटो, ज्वार एंड बाजरा, या नन ऑफ दीज। अब यहाँ पे आपने कौन सी दो क्रॉप्स के बताने जो कि रेनी सीजन के अंदर ग्रो करती हैं, सो इट इज ज्वार एंड बाजरा, बी इज द करेक्ट आंसर। एट के अंदर आपको बोला गया मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मैथड्स डैश क्या करते हैं, वो इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंक्रीज इनकम लेवल, डिक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ऑल ऑफ द अबव। अब इसके अंदर बच्चा एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना, ऑल ऑफ द अबव तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक तरफ आपको बोल रहे हैं इंक्रीज के बारे में, दूसरी तरफ डिक्रीज के बारे में, तो इंक्रीज और डिक्रीज एक ही क्वेश्चन के अंदर तो होंगे नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, इंक्रीज इन इनकम या इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या डिक्रीज इन एग्रीकल्चर। आपको किस बात के बारे में बोला, मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। डेफिनेटली ऐसी चीज़ें जो हैं, जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ेगा तो आपकी इनकम लेवल भी बढ़ेगी, तो इसकी वजह से क्या है, आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, ये आप लिखोगे, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन में आपको बोला गया कि फिजिकल कैपिटल जो है वो दो टाइप की होती है, फिक्स कैपिटल या वर्किंग कैपिटल, बी है आपका फिक्स कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, और सी है आपका फार्मिंग कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, एंड डी इज नन ऑफ दीज। अब इसके अंदर हमें पता है कि इसका आंसर जो है कौन सा है, आपका फिक्स कैपिटल जो है वो आपकी क्या होती है, फिजिकल कैपिटल जो है वो आपकी दो टाइप की होती है, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स यानी कि जो लॉन्ग टर्म चलती रहती है, वर्किंग कैपिटल यानी कि जो बिजनेस प्रोडक्शन के लिए जो भी आपका रॉ मटेरियल है या कैश इन हैंड आप यूज करते हो या जो मनी कंज्यूम हो रही है थ्रू आउट द पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं फिक्स कैपिटल, फिजिकल कैपिटल। टेंथ क्वेश्चन में बच्चे आपको बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप, यानी कि इन जो आपको नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, वीट, राइस, ज्वार और ऑल ऑफ दीज में से रबी क्रॉप कौन सी है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो रबी क्रॉप है वो आपके विंटर्स में ग्रो करती है, तो W फॉर विंटर, W फॉर वीट, उसको आपको ध्यान में रखना है कि गेहूं जो है वो इस सर्दियों में उगने वाली क्रॉप है, तो इट इज़ अ रबी क्रॉप। बच्चे ये जो मनी इन हैंड है किसका एग्जाम्पल है, 11th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, फिक्स कैपिटल का, फिजिकल कैपिटल का, वर्किंग कैपिटल का, या नन ऑफ दीज। मनी इन हैंड क्योंकि वो जब भी किसी चीज़ के प्रोडक्शन हो रही है तो पैसा यूटिलाइज हो रहा है उस चीज़ के लिए, कभी पैसा सेल में आपके पास में आएगा भी सेल के थ्रू, कभी परचेज के थ्रू खर्च भी होगा, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर, जिसमें आपको बोला गया कि मनी इज हैंड इज अ एग्जाम्पल ऑफ वर्किंग कैपिटल। बच्चों 12th क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो HYV सीड्स हैं उसके क्या फुल फॉर्म क्या है, ए हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, बी हैवी यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, सी हाफ यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, और डी नन ऑफ द अबव। अब इसका आंसर तो आप सबको पता होगा, दैट इट्स करेक्ट आंसर इज ए हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, जिसमें कि ये HYV, ये HYV इनकी फुल फॉर्म है, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड। 13th क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया है कि मल्टीपल क्रॉपिंग जो है उसका क्या मतलब है, ए ओनली वन क्रॉप, ग्रोइंग ओनली वन क्रॉप, बी मोर देन वन क्रॉप, सी मोर देन टू क्रॉप्स, डी नन ऑफ दीज। यानी कि ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप, एक क्रॉप से ज्यादा, तो 13th का आंसर क्या है आपका, बी मोर देन वन क्रॉप, मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप। 14th क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विच एरिया इन इंडिया ट्राइड द मॉर्निंग मॉडर्न फार्मिंग मैथड फॉर द फर्स्ट टाइम, यहाँ पे किस चीज़ के लिए पूछा जा रहा है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड पहली बार कहाँ पे इस्तेमाल हुआ था, पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में, या ऑल ऑफ दीज। सो इट्स आंसर इज ऑल ऑफ दीज, इन तीनों ही स्टेट्स में मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो हैं वो पहली बार भारत के अंदर इस्तेमाल किए गए थे। ग्रीन रेवोल्यूशन जब इंडिया के अंदर आया था उस वक्त इन जगहों पर जो है वो मॉडर्न फार्मिंग मैथड का इस्तेमाल किया गया था, जिसके अंदर HYV सीड्स को भी यूज़ किया था उन्होंने। 15th क्वेश्चन जो है इसमें आपसे पूछा गया है कि विच खरीफ क्रॉप इज यूज फॉर कैटल फीड, कैटल फीड का क्या मतलब है, कैटल फीड का मतलब क्या होता है, जो जानवरों को चारे के लिए कौन सी फसल का इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पे उन्होंने क्या स्पेसिफाई किया है कि वो खरीफ क्रॉप है। आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, ए में आपको बोला कि ज्वार एंड बाजरा, बी इज योर पोटैटो, सी इज योर राइस, एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए, ज्वार एंड बाजरा आर यूज फॉर द कैटल फीड
विच इज अ खारिफ क्रॉप, जो कि खारिफ क्रॉप है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड क्या है? ए बिग्गा, बी विड्थ, सी लेंथ और डी हेक्टेयर। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज, यहाँ पे आपको क्या पूछा, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी हेक्टेयर। 17th क्वेश्चन इज, विच क्रॉप इज ग्रोन बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर इन पालमपुर। पालमपुर के अंदर अक्टूबर एंड दिसंबर के अंदर कौन सी फसल उगाई जाती थी? चावल, गेहूं, आलू या बाजरा, कौन सी फसल उगाई जाती थी? जल्दी से लिख के बता दो कमेंट्स में। ये तो आंसर पता होगा, इतनी बार चैप्टर पढ़ा है, एक बार स्कूल में, एक बार अभी मेरे पास यूट्यूब पे। तो कौन सी फसल उगाई जाती थी अक्टूबर और दिसंबर के बीच में पालमपुर के अंदर? पोटैटो उगाया जाता था। 18th क्वेश्चन इज, विच एरिया इन इंडिया हैज अ लो लेवल ऑफ इरीगेशन। भारत के अंदर कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पे लो लेवल ऑफ इरीगेशन है? डेक्कन प्लेट्यू, बी इज योर कोस्टल रीजन, सी इज योर रिवर एंड प्लेन्स और डी इज योर ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे लो लेवल ऑफ इरीगेशन के बारे में पूछा गया, तो लो लेवल ऑफ इरीगेशन कहाँ है? डेक्कन प्लेट्यू पे। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, ए डेक्कन प्लेट्यू। सो बच्चा, इंडिया के अंदर जो लो लेवल ऑफ इरीगेशन है दैट इज इन ए डेक्कन प्लेट्यू। 19th क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, नीचे जो आपको दिए गए हैं इनमें से नेचुरल रिसोर्स कौन सा है? नेचुरल रिसोर्स कौन सी चीज़ें होती हैं जो नेचर से मिलती हैं हमें? ए लेबर, बी रॉ मटेरियल, सी मिनरल्स और डी नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पे आपसे नेचुरल रिसोर्स के तौर पे पूछा जा रहा है। अब लेबर जो है वो तो हम इंसान हैं, रॉ मटेरियल कुछ भी हो सकता है आप कोई लाइक आप कोई सामान यूज़ कर रहे हो क्या है। सी इज़ अ मिनरल्स, जो कि प्योरली आपको नेचुरल रिसोर्स से ही मिलते हैं, नेचर से ही मिलते हैं। सो दिस इज इट्स करेक्ट आंसर कि नेचुरल रिसोर्स इन चारों में से मिनरल्स हैं। बच्चों जो 20th क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया कि जो वाइट रेवोल्यूशन है वो इन चारों में से किसके साथ जुड़ा हुआ है। आप इन चारों में से थोड़ा सोच के देखो कि वाइट कलर की चीज़ कौन सी है। तो ये वाइट रेवोल्यूशन है वो उसी के साथ ही एसोसिएटेड है। ए मिल्क, बी कॉटन, सी वेजिटेबल्स और डी ऑल ऑफ दीज। जो वाइट रेवोल्यूशन है उसका करेक्ट आंसर है ए मिल्क। जिस तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उसी तरीके से हमारे देश में एक बार वाइट रेवोल्यूशन भी आया था जिसमें कि मिल्क की बहुत ज़्यादा पैदावार की गई। तो इस 20th क्वेश्चन के साथ हमारे सारे के सारे MCQs इस चैप्टर के कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम इस चैप्टर के फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ। फिलिंग द ब्लैंक्स में जो सबसे पहला है आपके पास में 21 क्वेश्चन के अंदर आपको दिया है, डैश द पर्सन हु लेंड्स मनी विच हैज टू बी पेड बैक एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आपको मनी उधारी पे देता है और उसके बदले आपको जो है एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पे करना, तो उनको हम क्या बोलते हैं? इसका आंसर है मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स जो हैं वो मनी उधारी पे देते हैं, पैसा उधारी पे देते हैं और उसके बदले में वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हैं वो चार्ज करते हैं। दे लेंड मनी एंड दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट और इसका आंसर क्या हो गया आपके पास में, मनी लेंडर्स। 22nd के अंदर आपको बोला है, देयर इज हैवी कॉम्पिटिशन ऑफ वर्क अमंग द फार्म लेबर्स इन पालमपुर ड्यू टू विच। पालमपुर के अंदर जो है वो लोगों के बीच में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। अब इसकी वजह से वहाँ पे क्या है कि लोग जो हैं वो सस्ती दरों पे भी काम करने के लिए तैयार हैं। लोअर वेजेस, वेजेस और सैलरी में क्या डिफरेंस है अगर किसी को पता है तो मुझे लिख के बताओ कि उनको पहले से पता था। वेजेस होती हैं जो दिहाड़ी वर्कर्स होते हैं उनको जो कमाई मिलती है, यानी कि जो प्रोडक्शन के रिलेटेड फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं उनको जो पैसे मिलते हैं उसको हम वेज बोलते हैं, और जो ऑफिस में काम करने वाले लोगों को मंथली सैलरी मिलती है उसको हम सैलरी बोलते हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास में 23rd क्वेश्चन, जिसमें आपसे बोला गया है कि अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक प्लेस इन द बिग फैक्ट्रीज इन टाउन्स एंड सिटीज, मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इज डैश। अब इसके अंदर आपको बोला गया था कि मैन्युफैक्चरिंग जो कि बड़ी बड़ी सिटीज या बड़े टाउन्स के अंदर होता है, तो पालमपुर के अंदर क्या है कि सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स के थ्रू और स्मॉल स्केल लेवल के ऊपर जो है वो चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता था, चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जाता था। तो पालमपुर वॉज इन्वॉल्व इन सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स एंड इज डन इन स्मॉल स्केल, छोटे स्केल पे किया जाता था। 24th क्वेश्चन इज, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल का एग्जाम से कौन सा है? सो फार्मर्स प्लो इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स कैपिटल। आपको कोई और पता है फिक्स कैपिटल का एग्जाम्पल वो भी आप बता सकते हो,
जरूरी नहीं आपको फार्मर्स प्लो ही लिखना है, आपको जो आंसर आता है यू कैन राइट दैट आंसर। 25th क्वेश्चन, डैश इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग यानी कि जो बहुत ज्यादा मेहनत मांगता है, ऐसा कौन सा सेक्टर है? सो द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर। क्योंकि किसान को आप चाहे कितना भी एसी में आराम से बैठ जाओ इतनी कड़ी धूप में, बट किसान जो होता है वो इसी धूप के अंदर सारा दिन मेहनत करके, पूरा साल 365 डेज वो मेहनत करके आपके लिए अन्न उगाता है। तो जो भी बेटा अन्न होता है उसकी ज़रूर आदर करो, कभी भी उसको वेस्ट मत करो, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत ही मेहनत से उगाया जा रहा है। 26th क्वेश्चन इज द मेन एक्टिविटी ऑफ द विलेज पालमपुर। कौन सी थी मेन एक्टिविटी है? दैट इज फार्मिंग। विलेज पालमपुर की जो मेन एक्टिविटी है दैट इज फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थ्री असेंशियल थिंग्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तीन असेंशियल चीज़ें किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन सी हैं? उन तीनों चीज़ों को बोला जाता है लैंड, लेबर एंड कैपिटल। ज़मीन, जहाँ पर भी आप फैक्ट्री लगाओगे ये चीज़ों की प्रोडक्शन करोगे, लेबर जो कि उस जगह पर काम करके रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाएगी, और इन सब चीज़ों को करने के लिए रिक्वायर्ड होगा पैसा, तो वो पैसा है आपकी कैपिटल। 28th क्वेश्चन इज टूल्स मशीन्स एंड बिल्डिंग्स। जो टूल्स मशीन्स एंड बिल्डिंग्स हैं दे कम अंडर द सेम कैटेगरी। अब इसके बारे में भी हमने MCQs के अंदर पढ़ा था कि ये कौन सी कैपिटल है, ये आपका फिक्स कैपिटल का पार्ट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फिक्स कैपिटल। टूल्स मशीन्स और बिल्डिंग्स जो हैं क्योंकि लॉन्ग रन तक चलती हैं, तो ये जो है वो आपके फिक्स कैपिटल का पार्ट है। द टू मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन पालमपुर ड्यूरिंग रेनी सीजन। अब यहाँ पे क्या है, जो बारिशों के वक्त उगाई जाती थी, ऐसी कौन सी दो मेजर क्रॉप्स हैं उनके बारे में आपको बताना है। सो बारिश के वक्त उगाई जाने वाली दो मेजर क्रॉप्स थी ज्वार एंड बाजरा। पालमपुर के अंदर जो दो मेजर क्रॉप्स बारिश के टाइम पे उगाई जाती थी वो है थी ज्वार एंड बाजरा। ऊपर MCQ के अंदर एक और भी क्वेश्चन आया था इसके ऊपर कि ये कैटल फीड क्रॉप्स भी हैं और ये खारिफ क्रॉप्स भी हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। 30th क्वेश्चन इज द मेन क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन इन द विलेज ऑफ पालमपुर इज। जो कौन सी मेन क्रॉप है जो कि विंटर सीजन के अंदर उगाई जा रही है पालमपुर के अंदर, यानी कि ये राबी क्रॉप हुई, तो राबी क्रॉप कौन सी है? यस दैट्स राइट, वीट इज दैट राबी क्रॉप जो कि विंटर सीजन के अंदर, मैंने आपको कहा W फॉर विंटर, W फॉर वीट, इस चीज को ध्यान रखना और याद रखना अच्छी तरह से बच्चों। तो इस 30th क्वेश्चन के साथ हमारे सारे के सारे फिलिंग द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने मैच द फॉलोइंग की तरफ। मैच द फॉलोइंग में भी आपको तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। अब बच्चा इसके अंदर आपको सबसे पहले बोला है लैंड, लेबर, फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल, और कॉलम बी के अंदर आपको दिए एक्टिव फैक्टर, पैसिव फैक्टर, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, नॉलेज एंड एंटरप्राइज। लैंड जो है दैट इज अ पैसिव फैक्टर, तो इसका आंसर बी हो गया। सेकंड जो है लेबर, दैट इज एन एक्टिव फैक्टर। एक्टिव फैक्टर का मतलब जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है उसके अंदर। फिजिकल कैपिटल क्या है आपकी, जो कि आपके फिक्स्ड और वर्किंग दोनों की दोनों हो सकती हैं, सो दैट इज योर फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल कौन सी है, जो कि अपना ज्ञान लगाती है उसके अंदर, अपने नॉलेज लगाती है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। 32 के अंदर आपको एक दिया है आपका ज्वार, और दूसरा है थर्ड, सेकेंड ऑप्शन है वीट, खारिफ, शुगर केन, राबी एंड पोटैटो एंड जैगरी। तो इसके अंदर इसका क्या करेक्ट ऑप्शन है? वीट का तो हमें पता है कि राबी क्रॉप होता है वो, शुगर केन से आपकी बनती है जैगरी। अब यहाँ पे जो पोटैटो है दैट इज अ थर्ड क्रॉप, ठीक है, और जो ज्वार है वो आपका है खारिफ क्रॉप, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। थोड़ी सी खिचड़ी पक गई पर चलो थोड़ा ध्यान रखना। ज्वार जो है दैट इज अ खारिफ क्रॉप, वीट जो है वो आपकी राबी क्रॉप है, शुगर केन से आपका गन्ने से आपका गुड़ बनता है, तो इसलिए वो लिखा गया है। लास्ट क्वेश्चन है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन, लोन्स, वाइट रेवोल्यूशन एंड लैंड। दूसरी तरफ कॉलम बी में आपको दिया गया फिक्स कैपिटल, एग्रीकल्चर, मनी लेंडर्स एंड वेल्थ। ग्रीन रेवोल्यूशन हमें पता है कि वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ पार्ट है, लोन्स जो है वो मनी लेंडर्स देते हैं, वाइट रेवोल्यूशन जो है वो मिल्क की वजह से था, मिल्क के साथ एसोसिएटेड है, और लैंड जो है दैट इज़ योर फिक्स कैपिटल। तो इन चीज़ों का बेटा ध्यान रखना, और अपने पेपर में छोटे छोटे पॉइंट्स की मिस्टेक्स मत किया करो, राइटिंग जितनी हो वो साफ लिखो, और पॉइंट्स जो हैं वो प्रॉपरली मार्क करो, पढ़े बिना क्वेश्चन को बिना पढ़े क्वेश्चंस के आंसर मत देना। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो।
अगर आपके कोई भी डाउट्स या सजेशंस हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ, और ये वीडियो कैसी लगी ये भी लिख के बता देना। इतनी देर से बोल बोल के आपके लिए वीडियो बनाई है तो एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है ना, और ये वीडियो कैसी लगी तो वो कमेंट्स में लिख दो ज़रा। जब मैं इतनी देर बैठकर बोल के आपके लिए वीडियो बना सकती हूँ तो कुछ कमेंट्स तो आप भी दे सकते हो कि आपको कैसी लग रही है ये, चाहे अच्छी या बुरी जैसी भी लग रही है वो ही लिख के बता दो, ठीक है। और ऐसे कौन से चैप्टर्स देखना चाहते हो ये भी बता देना। और इस बुक को अगर आप परचेज करना चाहते हो तो इसके जो लिंक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में और नीचे पिन कमेंट्स के अंदर दे दिए हैं, वहाँ से जाके आप अपनी ये ओसवाल गुरुकुल की बुक जो है वो परचेज कर सकते हो, और आप भी अपने इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो एग्ज़ाम्स की। इसके अलावा इस बुक के अंदर ना, मतलब इस चैप्टर में वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स अपार्ट फ्रॉम दिस असर्शंस केस स्टडी सब कुछ दिया हुआ है, बट अभी के लिए वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो इसलिए इसको छोटा और प्रसाइज रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम केस स्टडी और इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वगैरह सब कुछ कवर अप करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना जो है वो ज्ञान अर्जित करते रहिए। और सी एस सी टूटल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं ना किया तो कर लो फटाफट से। बाय।